देश भर में लोकसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की 42 सीटों पर 7 चरण में चुनाव का ऐलान किया है। सभी पार्टियां अपने अपने हिसाब से चुनाव प्रचार में जुट गई हैं। तृणमूल कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करते हुए बराकपुर से पार्थ भौमिक को अपना उम्मीदवार बनाया है। इस ऐलान के बाद भटपाड़ा नगर पालिका 2 नंबर वार्ड के पार्षद गोपाल राउत बैठकपुर से टीएमसी कैंडिडेट पार्थ भौमिक को विजय दिलाने के लिए संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। एक खास बातचीत के दौरान हमारे सहयोगी मोहम्मद अनीसुर रहमान से बात करते हुए पार्षद गोपाल राउत ने कहा कि टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी के पार्षद से लाभ उठाने वाले अवाम हमारे साथ हैं। हम भरी मतों से विजय हासिल करेंगे। भारत वर्ष में जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने अपने चुनाव का घोषणा कर दिया है और हमारे इस राज्य में पश्चिम बंगाल में भी 42 सीटों के लिए घोषणा हो गया है और आप के जो आपका जो क्षेत्र है डायरेक्ट क्षेत्र से टीएमसी के जो प्रत्याशी हैं पार्थ भौमिक उसके लिए भी उनके भी नाम का घोषणा कर दिया गया है। आप जैसे जो टीएमसी के जो ये कह लिया जाए कि एकदम नीचे स्तर से काम करने वाले जो लोग हैं वो इस संघर्ष में जुट चुके हैं, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं लोगों को धन्यवाद दूंगा। होली सामने ईद है, हमारे इलाका मध्यम वर्ग इलाका है, यहाँ होली भी बढ़िया से मनाई जाती है, ईद भी बढ़िया से मनाई जाती है। सभी लोग को ईद और होली का मुबारकबाद। संघर्ष कुछ नहीं है, ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी का प्रकोप देखकर हम लोगों के पास जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं और बंगाल सरकार अच्छा काम किया है, सीएम का नेतृत्व में जो काम हुआ है उसी काम को हम लोगों के घर घर पहुंचा रहे हैं और लोगों को वही देखा कर वोट मांग रहे हैं। कितनी उम्मीद है, कितने 42 में कितने सीट आपके झोली में? देखिए 42 में इस बार सीट हम लोग का बहुत बढ़ेगा और बैरकपुर सीट हम लोग बढ़िया से निकाल लेंगे। बैरकपुर सीट के लिए थोड़ी सी संघर्ष की भी ज़रूरत थी और ये विवादित इलाका रहा है और अभी जिस तरह से जिस प्रत्याशी का नाम उठकर सामने आया है पार्थ भौमिक, कितनी उम्मीदें लगाई जा सकती हैं? बहुत अच्छा उम्मीद है, अच्छा कैंडिडेट हैं, चार बार का मेले भी रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, अच्छा काम करते हैं, लोगों का साथ व्यवहार बढ़िया है और देखा जाए तो फील्ड में उतरकर काम कर रहे हैं लोगों को पास। सबसे बड़ा बात है कि यहाँ ममता बनर्जी का जो प्रकोप है, जो स्वच्छ साथी कार्ड, लक्ष्मी भंडार, कन्या छेरी, बहुत सारे प्रकोप जो लोगों को मिला है ये पहले कभी नहीं मिलता था। आज के डेट में लोग ये चीज़ को अच्छा नज़र से देख रहे हैं तो हम लोग आशा करता हूँ जो बैरकपुर अच्छा वोट से मार्जिन से हम लोग जीते हुए। बैरकपुर पिछले दफ़ा बीजेपी सीट से आगे बढ़ा था और क्या आशा की जा सकती है, कितना संघर्ष है, कितना कांटे की टक्कर हो सकती है? टक्कर अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो बीजेपी कैंडिडेट ही नहीं दिया है और कैंडिडेट का दौर में पार्थ भौमिक बहुत आगे निकल चुके हैं। अब देखिए बीजेपी किसको कैंडिडेट दे रहा है, जब कैंडिडेट देगा उनका नाम का घोषणा होगा तो आंकड़ा लगाया जा सकता है ये कैसा कैंडिडेट दे रहे हैं। और रहा सवाल, यहाँ तो संघर्ष नहीं है, यहाँ मार्जिन का लड़ाई है। आगे बार अर्जुन सिंह कैंडिडेट थे बीजेपी का, सारे लोग बीजेपी में थे, इस बार बीजेपी में लोग नहीं हैं और सारे लोग ये जो है बात को बूझ गए हैं, इसलिए यहाँ लड़ाई जो है बहुत टक्कर की नहीं बोलिए तो बेटर रहेगा। गोपाल जी, क्योंकि आप पार्षद भी रहे हैं और कहीं ना कहीं टीएमसी के एक सैनिक के रूप में नीचे उतर कर काम करते हैं, आप लोगों से भी मिल रहे हैं, आज जो लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा हुआ है, क्या उम्मीदें की जा सकती है? लोगों में किस तरह का रुझान है, किस तरह से लोग सोच रहे हैं? लोग को बोले तो जब ममता बनर्जी का काम को लेकर हम लोग लोगों के घर पर जा रहे हैं
लोग ममता बनर्जी को काम देखकर काम करेंगे और लोगों को पास हम लोग जो जा रहे हैं ममता बनर्जी को काम पर वोट मांग रहे हैं। उम्मीद लगाई जा सकती है कि जो इलेक्शन होने वाला है वो अमन शांति के दरमियान होगा, शांति के दरमियान ही होगा। उन युवाओं के लिए क्या कहेंगे जो पहली बार वोट देना चाहते हैं और खासकर मैं उनको सबसे पहले तो वोट देने के लिए धन्यवाद दूंगा और भारतवर्ष का संविधान के साथ में वो लोग जुड़ रहे हैं, वोट देने का अधिकार मिल रहा है, अपना चुनाव को इस्तेमाल करेंगे तो मैं उनको पहले से ही धन्यवाद देता हूँ और मैं उन लोगों को यही बोलूँगा कि कैंडिडेट चुनिए, जो कैंडिडेट चुनिए हर चीज़ से निपुण देखकर चुन कैंडिडेट चुनिए। आपका ये वार्ड 2 नंबर वार्ड और चूँकि आप भटपाड़ा म्यूनिसपैलिटी के एडमिनिस्ट्रेटर की भी जिम्मेदारी आप निभा चुके हैं, इसको सामने रख के अपने इलाके के लोगों को क्या आप मैसेज देंगे? सभी लोग, इलाका के लोग हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, उनकी चेहरा का हंसी कभी छीनी ना जाए, इसको लिए हम लोग तैयार हैं और चुनाव अच्छा से शांति भाव से होगा। बच्चे बच्ची की खिलखिलाहट जिस तरीके से भाटपाड़ा में गूंज रही है उस तरीके से आने वाला दिन भी गूंजेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद।